नमस्कार दोस्तों, बबलू पूनिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो है DI-50 शटल मॉडल की। ये दोस्तों यहाँ पे हमें लेजर लेवलर चलाता हुआ मिला। दोस्तों ये शटल वाला है भाई, इसके गियर चला के दिखा रहे हैं शटल के हिसाब से। इसका थोड़ा सा मैं बता दूँ, एक मिनट, ये 12+12 गियर बॉक्स बोला जाता है। भैया आप एक मिनट गियर का बताओ इसका। ये इसका शटल लीवर हो गया, अच्छा जी, और हाई लो मीडियम, अच्छा, और ये इसका हो गया मेन लीवर। तो चार होंगे मेन में, एक रिवर्स होगा। अच्छा, एक चार हो गया रिवर्स का, इसका इसमें हो गया। हाँ, 12 रिवर्स। हाँ जी, और ये इसकी ये हाई लो मीडियम। तो आप यहाँ आपके पीछे करके दिखाई हुई है। हाँ, दूसरे गियर में, ठीक है दोस्तों, ये दूसरे गियर में पड़ा है ट्रैक्टर, और भाई ने इसका शटल लीवर से ही गियर बदल दिया। अब ये दूसरे की स्पीड से ही पीछे चलेगा। ये इसमें एक अलग ही टेक्नोलॉजी आई है अभी ये। अच्छा, तीसरे में कर दो, ये ऊपर उठा लो। हाइड्रोलिक ऊपर दोस्तों, ये तीसरे के गियर में चल रहा है। हाँ, जिस गियर में रहेगा उसी की चाल आगे चलेगा, उसी की पीछे चलेगा। ये इसकी सबसे एक अलग ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इसमें जो है, जैसे हमारे ट्रैक्टर लेजर लेवलर पे चलते हैं, इस पर सादा जो लेवलर होता है उसमें तेल ज़्यादा खर्चा होता है। ये टॉप में चला रहे भैया, अब ये शटल में कर दिया इन्होंने टॉप में ही। ये यहाँ पे मिट्टी है, भान हो रहा है, इसलिए ट्रैक्टर पर लोड पड़ रहा है। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी लगी हमें इसकी। भैया आप लो में कर दो, लो में ही आगे करो, लो में पीछे करो। हाँ, अब शटल कर दो इसका आगे। दोस्तों ये लो के भी लो में है, जिसकी बहुत ही अच्छी चाल बनेगी। अब मीडियम में कर दो यहाँ कहीं, ये लीवर चेंज करना हमें बस। ये मीडियम की चाल बनेगी, आपको जहाँ जिस चाल में चलाना है ट्रैक्टर उसी चाल में चलेगा। और फॉरवर्ड और रिवर्स जो है शटल वाले में है, उनका आपको कुछ भी नहीं करना। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। दोस्तों थोड़ा सा मैं ट्रैक्टर के बारे में बता दूं, बंद कर दो एक बार। दोस्तों थोड़ा मैं ट्रैक्टर के बारे में बता दूं, ये DI-50 जो है 52 हॉर्स पावर कैटेगरी में आता है ट्रैक्टर। फ्रंट टायर 750/16 के हैं इसके, और पिछले टायर इसमें 14/28 के हैं। 3 सिलेंडर इनलाइन पंप के साथ में है। डीजल सेवर है इसका। ये यूज एंड थ्रो वाला माइक्रो फिल्टर लगा दिया कंपनी ने इसमें। ये पावर स्टीयरिंग का पंप है सिंगल एक्टिंग। इसमें पाइप वगैरह बहुत ही अच्छी फिटिंग है, ऊपर पायदान है, और सबसे बेहतरीन जो चीज़ है इसका ये यहाँ पे बैठ के। डैशबोर्ड भी इसका डिजिटल है, और ये इसमें शटल गियर है, ये फॉरवर्ड है, और यही रिवर्स है। इसमें चार गियरों की स्पीड है। इसमें यहाँ इसका बैक ख़त्म कर दिया। ये लो हाई मीडियम 3 स्पीड के साथ में है इसकी। अब मान लो चार गियर हैं, तो चार आगे के, चार पीछे के, और चार ही मीडियम के, तो 12 की स्पीड मिलेगी आपको। जितने गियरों में आपको आगे को चलाना है उतने में आपका ये ट्रैक्टर शटल करके पीछे को चलेगा। ये बहुत ही अच्छी मुझे टेक्नोलॉजी लगी इस ट्रैक्टर की। और न्यूट्रल इतने नहीं होने का, इतना ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होने का बिल्कुल भी। ये जो शटल है गियर बक्सा लीवर, ये यहाँ से चलेगा। और आपको अगर चाल घटानी पड़ानी होगी तो आप इसे, ये लो का भी लो गियर दिया है इन्होंने, जो बहुत ही अच्छी बात है। अब ये आगे हो गया, अब इसे पीछे कर दोगे तो ये पीछे चलेगा।
मतलब आपकी मनचाही चाल होगी, जहाँ आपको चलाना है ट्रैक्टर वहीं चलेगा, किसी तरह की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।